हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? एक्चुअली गुड मॉर्निंग मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ मॉर्निंग में, और हम लोग अभी जा रहे हैं। मेरे घर में कोई मेहमान आया है और मैं उस मेहमान से आपको मिलाऊंगी इस वीडियो के लास्ट में, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और मेहमान जो भी हैं बहुत स्पेशल हैं और आप लोगों को भी उनसे मिल के बहुत अच्छा लगने वाला है। और मैं अभी जा रही हूँ केक लेने उन्हीं के लिए, और वो जो मेहमान हैं वो बहुत स्पेशल हैं। और फिर हम लोग रास्ते में जा रहे थे तो जो हमारे घर के पास वाली शॉप है वो शॉप बंद हो चुकी थी, तो इसलिए हम लोग को थोड़ा सा दूर जाना पड़ा केक लेने के लिए, क्योंकि रात भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। और इतनी रात में हम लोगों को क्यों याद आया केक लेने के लिए, वो भी मैं अभी आपको बताऊँगी उसका रीज़न। और हम लोग जा रहे थे तो मुझे थोड़ा सा भूख लगी, तो मैंने सोचा चलो मोमोज़ खा लेते हैं। और घर में कुछ खाना भी मैंने नहीं बनाया था, कुछ प्रिपरेशन नहीं की थी, तो खाने के लिए मैंने घर के लिए लोगों के लिए सबके लिए मोमोज़ और चाउमीन पैक करा लिया था। और आ ही रही थी मैं तो रास्ते में मुझे सब्ज़ी वाले भैया दिखे, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना सब्ज़ी भी ले लूँ, क्योंकि सब्ज़ी भी कुछ नहीं थी और मैं मार्केट भी नहीं जा सकती थी क्योंकि मैं इस टाइम पे बहुत बिज़ी हूँ। तो मुझे काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ उनके पास थी, तो मैंने सब कुछ थोड़ा थोड़ा ले लिया था। और थैला गाड़ी में हमेशा पड़ा ही रहता है, उसकी कोई टेंशन नहीं रहती है। और मैंने थोड़ा सा बाथू, शिमला मिर्च, गोभी, टमाटर, मटर जो भी उनके पास था मैंने सब कुछ थोड़ा 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 ले लिया था। और हरी वाली प्याज ली है मैंने, उसकी हरी वाली प्याज की तो आपको पता ही है कि कितने अच्छे पकौड़े, सब्ज़ियाँ और ये सब बनता है, मुझे बहुत पसंद है। तो बस हम लोग वहीं से सब्ज़ी भी ले लिए और फिर बाद में हमें केक भी मिल गया था। लेकिन ये है कि केक के लिए हमको बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ा था क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, पहले से हमने कुछ प्लानिंग की नहीं थी। तो चलिए आपको दिखाती हूँ, मिलवाती हूँ मैं अपने एक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मेरे ब्लॉग में आप देखने वाले हैं एक बहुत बड़ा सरप्राइज़। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मेरे घर में कोई आया है और हम लोग उसके लिए केक कट करने जा रहे हैं। केक क्यों कट करने जा रहे हैं उसका एक रीज़न है, अभी आप अगर वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। हम लोग गए थे केक लेने, तो केक जो है वो जो नियर बाय वाली शॉप थी वहाँ पे मिला नहीं, तो हमें काफ़ी दूर जाना पड़ा। और हुआ ये कि जो आई हैं मेरे घर वो कहीं बाहर चली गई थी, मतलब उनका पेपर या एग्ज़ाम कुछ था और उसकी वजह से वो बाहर चली गई थी। और फिर उनके जो बेबी था उनको पूरा दिन मुझे संभालना पड़ा, और पूरा दिन संभालने के चक्कर में मैं कहीं बाहर जा नहीं पाई, ना मैं कुछ खाने की प्रिपरेशन कर पाई और ना ही मैं उनके लिए केक ले पाई। तो बस ये हमारी तरफ से उनके लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट था, और हम लोगों ने सोचा चलो सरप्राइज़ केक कट कर देते हैं। तो वो रात में आई हैं, मतलब 8 साढ़े 8 बजे आई। उसके बाद हस्बैंड और मैंने प्लान बनाया कि चलो चलते हैं, मतलब केक मंगवाते हैं, लाते हैं और कटिंग करते हैं। तो रात में काफ़ी लेट हो गया हम लोग को लाने में केक वगैरह, तो 11 o'clock हो गया था। तो बट फिर भी चलो ठीक है, कट कर दिया। और क्योंकि खाना भी मैं कुछ बना नहीं पाई क्योंकि मैं बेबी को संभाल रही थी, तो उसने मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं दिया। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इनकी जो पार्टी है वो मैं उधार कर देती हूँ, वो मैं फिर किसी दिन दे दूँगी। और आज जो है ऐसे ही थोड़े मोड़े कुछ में काम चलाया जाए, तो मैंने उनके लिए भी और मतलब घर के सारे मेंबर्स के लिए मैंने मोमोज़ और चाउमीन पैक करा लिया था। तो चलिए अभी इंजॉय करते हैं छोटी सी, एकदम छोटू सी सरप्राइज़ पार्टी। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा, इंजॉय करेंगे। मम्मी बोलो, मम्मी मैया जय कर, बोलो मैया जय जय, बोलो जय मैया। उधर अरे मिष्टी मैया, इधर 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 मैया, बोलो मैया, मिष्टू मैया जय,
विश तो मम्मा मम्मा को भी दे दो बिस्किट, मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो बिस्किट, दे दो, मौसी को दे दो। अरे देखो देखो कितना जल्दी जल्दी खा रही है। बताइए कब करना है। अरे केक जल रहा है वो। अरे मामा चॉकलेट। मिस्टी मिस्टी चलो काटो काटो चलो। ये कुछ हमारा पार्टनर। चलो चलो बजाओ। ये बेटा। चलो बजाओ चलो बहुत बढ़िया। तुम भी जाओ उधर खड़े हो। मिस्टी। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। पहले केक को कैंडल को ब्लो कर दो भैया। चलो मिस्टी को खिलाओ भाई। पहले मम्मी बोली अपने डालेगी नहीं। ये ना लो। लो। खा तो लो। कुछ टेस्टी है। मम्मा। मम्मा। एक फूंक मैं बुझा दी है ना। चलो मौसी खिलाओ सब लोग। रुको रुको रुको। हमको तो खिला दी। चलो मौसी। अरे आए आए आए। चलो कम से कम केक तो कट गया। चॉकलेट खा ले। नहीं वो आधा उसको भी दे दो यार। लो खुशी। ले क्रीम भी निकल गई। तुम सब निकाल दो। काजल मौसी लो राज दरबार। राज दरबार मिली जाके भी क्या। देखा कि हम लोगों ने छोटी सी क्यूट सी पार्टी इंजॉय की और पूरा वीडियो पूरा जो मतलब हम लोगों ने जो खाया पिया वो सब हम लोग नहीं शेयर कर पाई मैं आपसे क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा उसमें हंसी मजाक में व्यस्त हो गए कि मैं कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई और ऊपर से मिस्टी भी रोने लगी तो उसमें हम लोग बस बिजी हो गए। मैं भूल गई भूल क्या गई एकदम से दिमाग में ही नहीं रहा कि रिकॉर्ड करना है तो बट आई होप ये जो मेरी छोटी सी सरप्राइज़ पार्टी थी आप लोगों ने इन्जॉय की होगी। और ये थी मेरी बहन मेरी छोटी बहन मेरी सिस्टर आई हुई है और वो उनकी छोटी सी क्यूट सी बेबी है मिस्टी नाम है उसका। और इसका पेपर था एग्ज़ाम था इसका ये आई थी एग्ज़ाम देने और बस दो तीन दिन के लिए ही आई थी तो उस बीच में इसकी मैरिज एनिवर्सरी पड़ गई और उसी दिन मैरिज एनिवर्सरी थी जिस दिन इसका पेपर था यानी कि 4 दिसंबर को। तो बस हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है मतलब फील नहीं होगा और बस हम लोगों ने छोटी सी पार्टी इंजॉय कर ली। आप लोग आई होप आप लोग इंजॉय किए होंगे और इसका जो अभी जो पार्टी है हम लोग इसको लेके जाएंगे बाहर बाहर कुछ खिलाए पिलाएंगे वो हम लोग दूसरे दिन करेंगे क्योंकि आज तो बहुत लेट हो गया था लेकिन इसको मज़ा आया ये बहुत खुश हो गई थी एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि मुझे और भी लोग जाने और भी लोगों का मुझे सपोर्ट मिल पाए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल बटन आता है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए और मेरे साथ यूं ही बने रहें अपना प्यार और सपोर्ट मुझे यहीं देते रहें। थैंक यू सो मच लव यू ऑल बाय बाय।